Dear students, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, before commencing the chapter, first of all, we will take pledge. I commit to be vigilant and bearing in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win against the fight of COVID-19. So students, let's start with the chapter. Come to the page number 41, chapter number 3, story, The Awful Fate of Malpo Manners Jones. Students, this story is written by Stephen Leacock. Let's begin with the first paragraph. Some people, not you nor I, because we are so awfully self-possessed, but some people find great difficulty in saying goodbye when making a call or spending the evening. So students, वो कहता कि कुछ लोग poet कहता कि कुछ लोग होते हैं ना तो वो मैं ना तुम कहता कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्फ पोजेस्ड होते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है उसको ईजिली हैंडल कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब डिफ़िकल्टी होती है इन सेइंग गुड बाय व्हेन मेकिंग अ कॉल और स्पेंडिंग द इवनिंग. कुछ लोग इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट मानते हैं जब किसी को गुड बाय करना होता है या फिर उन्होंने कॉल की होती है, कॉल करने के बाद उन्होंने गुड बाय करना होता है या फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ इवनिंग स्पेंड की होती है तो उनको गुड बाय कहने में कुछ प्रॉब्लम आती है. वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि उनको गुड बाय कह सकें. As the moment draws near, जैसे moment near आता है, when the visitors feels that he is fairly entitled to go away, जब visitors को लगता है कि ये वहाँ से जाना चाहता है, he rises and says abruptly, well I think I, then the people say, oh must you go now, तो फिर लोग उसको कहते हैं कि तुम जा सकते हो. Surely it's early yet, and a pitiful struggle ensues. I think the saddest case of this kind of thing that I ever knew was that of my poor friend Malpo Manners Jones, a curate, such a dear young man and only 23. तो ये जो केस है, ऐसा केस मेरे पुअर फ्रेंड के साथ हुआ जिसका नाम मेलपेनोस जॉन्स है, मेलपोमेनस जॉन्स है, जो मेरा फ्रेंड है वो पुअर है और वो बहुत यंग है. उसका जो उसकी एज है 23 इयर्स ओल्ड है, वो बहुत यंग है. तो ये ऐसा केस उसके साथ हैपन हुआ. ही सिंपली कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम पीपल, वो जो लोगों के पास में से जा नहीं सकता था, उनको ईजिली गुड बाय नहीं कर सकता था. जब उनके साथ बैठता था या फिर उनको कॉल करता था तो वो उनको ईजिली गुड बाय नहीं कर सकता था. ही वॉज़ फीलिंग शाई व्हेन ही जस्ट वांट टू से गुड बाय. ही वॉज़ टू मॉडेस्ट टू टेल अ लाई एंड टू रिलीजियस टू विश टू अपीयर रूड. वो बहुत उसको मुश्किल लगता था, वो कभी मतलब किसी के को लाई नहीं कह सकता था और ना और ही वॉज़ टू रिलीजियस, वो बहुत रिलीजियस था टू विश टू अपीयर रूड. नाउ इट हैपन्ड दैट ही वेंट टू कॉल ऑन सम फ्रेंड्स ऑन ऑफिस ऑन द वेरी फर्स्ट आफ्टरनून.
ऑफ हिज समर वेकेशन, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड्स को बुलाएगा समर वेकेशन के टाइम, गर्मियों की छुट्टियों में आफ्टरनून के टाइम. द नेक्स्ट सिक्स वीक्स वर इंटायरली हिज ओन, एब्सोल्युटली नथिंग टू डू. जो नेक्स्ट सिक्स वीक्स हैं वो उसके ही हैं और उसके पास कुछ नहीं है करने को, वो फ्री है टोटली, कोई काम नहीं है उसके पास करने के लिए. ही चैटर्ड अ वाइल, तो कुछ टाइम उसने चैट किया. ड्रिंक टू कप्स ऑफ टी, और टू कप्स ऑफ टी को ड्रिंक किया. देन ब्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर द एफर्ट एंड सेट सडनली वेल आई थिंक आई, तो उसने प्रिपेयर बहुत मुश्किल से अपने आप को प्रिपेयर किया. जब उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, उनके साथ उसने कुछ टाइम चैट भी की और उसने टू ड्रिंक ऑफ कप्स भी ड्रिंक किए, तो उसने टू कप्स ड्रिंक भी किए टी के. और पर वो डिफ़िकल्ट मान रहा था, उसको मुश्किल आ रही थी कि वो उनको कैसे गुड बाय कहे. देन ही सेड सडनली, उसने एकदम से कहा, वेल आई थिंक आई मीन्स उसने पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहा, मतलब उसने एक सिग्नल सा दे दिया, बट उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. ही वॉज जस्ट ब्रेस्ड हिमसेल्फ कि मैं कैसे कहूँ कि अब मुझे जाना है. देन ही सेड सडनली, वेल आई थिंक आई, बट द लेडी ऑफ द हाउस सेड, जो वहाँ की लेडी थी उस घर में, वो कहती, ओ नो मिस्टर जॉन्स, कांट यू रियली स्टे अ लिटल लॉन्गर. वो कहती कि क्या तुम कुछ टाइम और नहीं रुक सकते, कुछ और टाइम. जॉन्स वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, पर जो जॉन था वो कभी झूठ नहीं बोल सकता था, तो वो हमेशा सच बोलता था. तो ही वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल. ओ यस ही सेड, ऑफ कोर्स आई कैन स्टे. वो कहता, यस आई कैन स्टे हियर, देन प्लीज़ डोंट गो. देन वो लेडी कहती जो उस घर में थी, वो कहती कि देन ठीक है तुम मत जाओ. ही स्टेड, तो वो रुक गया. ही ड्रैंक 11 कप्स ऑफ टी, तो उसने 11 कप्स ऑफ टी ड्रिंक किए. नाइट वॉज फॉलिंग, और नाइट फॉल हो रही थी, अंधेरा छा रहा था. ही रोज अगेन, वेल नाउ ही सेड शायली, आई थिंक आई रियली, उसने फिर से मतलब जाने का सोचा कि मैं, वो कहता कि मैं दोबारा आऊँगा. आई रोज ही रोज अगेन, तो वो उसने फिर शायली बोला, आई थिंक आई रियली, उसने फिर से शायली बोला कि मुझे जाना चाहिए. इंटरनली उसका मतलब था कि मुझे जाना चाहिए, टाइम हो गया जाने का, तो मैं दोबारा आऊँगा. आई विल रोज अगेन, यू मस्ट गो. देन उसने लेडी ने पोलाइटली उसको बोला, सेड द लेडी पोलाइटली, कि तुम्हें ठीक है तुम चले जाओ. आई थॉट परहैप्स यू कुड हैव स्टेड फॉर डिनर. ओ वेल सो आई कुड यू नो, जॉन सेड इफ, देन प्लीज स्टे, आई एम श्योर माई हस्बैंड विल बी डिलाइटफुल. वो कहती कि तुम, मैं सोच रही थी कि तुम हमारे साथ डिनर करोगे. वो और वो कहती कि तुम रुक जाओ. तो उसके ओ वेल सो आई कुड यू नो, जॉन सेड इफ, देन प्लीज स्टे, आई एम श्योर माई हस्बैंड विल बी डिलाइटेड. वो कहती कि मेरे हस्बैंड बहुत खुश होंगे, ब्लिसफुल होंगे, खुश होंगे, डिलाइटेड होंगे, अगर तुम यहाँ पर बैठ के हमारे साथ डिनर करोगे. All right, he said fably. उसने fably बोला, मतलब उसको confident नहीं था, मतलब उसने बिना confidence के बोला. I will stay. And he sank back onto his chair, just full of tea and miserable. वो उस chair के ऊपर बैठ गया वापस, और उसने just full of tea, उसने मतलब एक कप ऑफ टी लिया, एंड मिजरेबल, एंड ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट. पापा केम होम, इतने में जो पापा थे वो घर आ गए. दे हैड डिनर, उन वो डिनर करने लग गए सारे. ऑल थ्रू द मील जॉन्स सेट प्लानिंग टू लीव एट 8:30, तो वो बैठ तो गया उनके साथ, बट वो सोच रहा था कि मैं 8:30 पे लीव कर दूंगा उनकी कंपनी. ऑल द फैमिली वॉन्डर्ड वेदर मिस्टर जॉन्स वॉज स्टूपिड एंड सल्की. सारी फैमिली जो थी वो सोच रही थी कि वो स्टूपिड है एंड सल्की है, वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो एंग्री है और ओनली स्टूपिड. आफ्टर डिनर मामा अंडरटुक टू ड्रॉ हिम आउट, तो जब डिनर हुआ तो जो मामा थी उसकी, वो उसको इनकरेज कर रही थी, उसको मींस कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रही थी उसके माइंड में, ताकि वो कुछ बोले और रिलैक्स होए, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था, वो कॉन्फिडेंट नहीं था बोलने के लिए. तो उसने उसको इनकरेज किया कि वो कुछ बोले. एंड शोड हिम फोटोग्राफ्स, और उसने उसको फोटोग्राफ्स दिखाई.
शी शोड हिम ऑल द फैमिली म्यूजियम, उसने सारा फैमिली म्यूजियम दिखाया, उसके अंदर सेवरल ऑफ देम फोटोज़ ऑफ पापाज, उस फैमिली म्यूजियम में बहुत सारी फ़ोटोज़ थी उसके पापा अंकल की एंड हिज़ वाइफ उसकी वाइफ की एंड ममाज ब्रदर उसके ममा के ब्रदर की एंड हिज़ लिटल बॉय उसका जो लिटल बॉय था एंड ऑफुली इंटरेस्टिंग फ़ोटो ऑफ पापाज अंकल फ्रेंड और उसके पापा के फ्रेंड की पिक भी थी जो जिन्होंने बंगाल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी अंकल्स फ्रेंड इन हिज बंगाल यूनिफॉर्म एंड ऑफुली वेल टेकन फोटो ऑफ पापाज ग्रैंडफादर्स पार्टनर्स डॉग उसने जो उसके ग्रैंडफादर से उसके पापा थे उसके पापा के ग्रैंडफादर थे उसके जो पार्टनर था उसके डॉग की भी पिक थी उसके पास एंड एन ऑफुली विक्ड वन ऑफ पापा एज द ड्वेल फॉर ए फैंसी ड्रेस वॉल एट 8:30 जॉन्स हैड एग्जामिन्ड 71 फोटोग्राफ्स 8:30 में क्या हुआ उसने 71 फोटोग्राफ्स देखी जो उस लेडी ने उसको दिखाई म्यूज़ियम दिखाया अपनी फैमिली का उसने डिफरेंट फोटोग्राफ्स दिखाई सबकी उसमें से उसने मीन्स 8:30 तक जो मिस्टर जॉन था उसने 8:30 तक 71 फोटोग्राफ्स देखी अभी भी उसकी पड़ी थी फ़ोटोज़ कुछ और देखने के लिए देयर वर अबाउट 69 मोर दैट ही हैड नॉट अभी 69 फ़ोटोज़ और पड़ी थी उसने बिफोर 8:30 उसने 71 फोटोग्राफ्स तो देख ली बट अभी और फोटोग्राफ्स पड़ी थी कितनी पड़ी थी 69 जो उसने अभी देखी नहीं थी जॉन्स रोज वो जाने का सोच रहा था आई मस्ट से गुड नाइट नाउ ही प्लीडेड सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी अप टू हियर थैंक यू हैव अ नाइस डे